नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार और अभी हम हैं श्रृंगी ऋषि धाम में। और श्रृंगी ऋषि धाम जो जाता है रास्ता, उस रास्ता का चल रहा है मरम्मती कार्य और दिखाते हैं आपको कि यह जो मरम्मती कार्य चल रहा है उसमें खाना पूर्ति किस प्रकार से किया जा रहा है। दिखाते हैं आपको, कैमरामैन से मैं दिखा चाहूंगा कि वो दिखाए कि देख लीजिए कि यह जो पिचिंग किया गया है, मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि इधर से आप दिखाएं कि देख लीजिए इस पिचिंग को कि ये इसको इस तरह से हाथ से यदि सिर्फ हिलाया जा रहा है तो ये जो चिप्स है अलकतरा मिला हुआ यह डायरेक्ट उखड़ सा जा रहा है। और इसका यदि आप माप उंगली से आपको माप करके दिखाते हैं कि इसका मात्र हाफ इंची, देख लीजिए कि उंगली से कि मात्र हाफ इंची पिचिंग किया हुआ है। क्या है इस मरम्मती कार्य का योजना में मापदंड, उस मापदंड के अनुसार यह पिचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी को लेकर के हम लखीसराय जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि इस रोड का जो पिचिंग किया गया है मात्र हाफ इंची, देख लीजिए उंगली से नापने के बाद स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मात्र हाफ इंची है यह पिचिंग। और यह रोड कितना दिन तक टिकाऊ रहेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और यहां किस प्रकार से किया जा रहा है इस रोड का मरम्मती कार्य, आगे के जगह को भी दिखाएंगे कि जहां चल रहा है मरम्मती कार्य, और देखें कि लग रहा है कि बना दिया गया है यह रोड, लेकिन इसमें सिर्फ हाफ इंच मात्र पिचिंग किया गया है और ना ही देख लीजिए पूर्व से जो इसमें था पहले से बड़ा बड़ा पत्थर, उसमें सिर्फ हाफ इंची का पिचिंग किया गया है। कितना बड़ा इस रोड मरम्मती कार्य में हुआ होगा या हो रहा है राशि का बंदरबांट, क्योंकि इस रोड के मरम्मती कार्य में मात्र हाफ इंची अलकतरा समेत चिप मिलाकर इस रोड का किया जा रहा है मरम्मती कार्य। जिस स्थल पे चल रहा है मरम्मती कार्य उस स्थल को भी दिखाने का रहेगा मेरा प्रयास। देखिए कि इस मरम्मती सड़क मरम्मती कार्य में कि स्पष्ट रूप से देखिए कि कितना बड़ा बड़ा ये पत्थर है और इस पत्थर पर कैसा रोलर चलाया गया है कि ये देखिए पत्थर आराम से है, देख लीजिए कि यो, और इसी पे किया जा रहा है पिचिंग। यहाँ तक हो चुका है पिचिंग, कोई रोलर नहीं कुछ नहीं, और इसके बाद यहाँ आगे कर दिया जाएगा इसी सड़क पे पिचिंग। कितना टिकाऊ होगा यह सड़क यह तो आप खुद समझ सकते हैं कि ना इसपे पानी ना कुछ, सिर्फ देख लीजिए कि कितना बड़ा बड़ा यह पत्थर है, इसी पत्थर पे किया जा रहा है पिचिंग। और वह पिचिंग भी मात्र हाफ इंची, यहाँ भी कहिए तो दिखाते हैं आपको खोद करके, ये देखिए किस प्रकार का है यह अलकतरा और चिप्स कि मात्र हाफ इंची, इसी पे ना रोलर ना कुछ, सिर्फ पिचिंग कर दिया गया है। और इस पिचिंग पे भी रोलर सही से नहीं चलाया गया है, और जहां अभी चल रहा है मरम्मती कार्य उस जगह पे भी जाकर के आपको दिखाएंगे, और वहां पे जो मजदूर और ठेकेदार होंगे उपस्थित उनसे भी करेंगे बात करने का प्रयास। फिर से मैं दिखाना चाहूंगा एक जगह का जो यहां पे श्रृंगी ऋषि धाम को जाने वाली रास्ता का मरम्मत कार्य चल रहा है कि देख लीजिए कि यह सड़क को सिर्फ जो है सो जेसीबी से कोड़ दिया गया है, और इस में जो पिचिंग था पहले से उस पिचिंग को चून करके वही जो यहाँ पे है ये बड़ा बड़ा पत्थर यही लाई रख दिया गया, इसमें कहीं से महीन पत्थर नहीं लगाया जाता है। यहीं पे है दो किसान जो लाठी लेकर के जा रहे थे, क्या बाबा ये जो यहाँ पे जो बना बन रहा है सही से बन रहा है? नहीं सर, सही से तो नहीं बन रहा है, ये तो कबाड़ के एकरे पर ढालने जा रहा है। यानी इसमें जो अलकतरा वाला मटेरियल है उसको चुन के हटा दे रहा है? हाँ, वही कर रहा है, वो मेटल पर ढालने चल रहा है। मेटेरियल कहीं बाहर से नहीं लाता? नहीं, वो रोडे वाला मेटल है, बाहर से कोई मेटेरियल नहीं।
जो इसमें था उसी को अलगा करके चुन चान के काम कर रहा है। वही काम कर रहा है। जो इसमें बाहर से कहीं से नहीं आ रहा, बाहर से नहीं आ रहा, बाहर से जहाँ तहाँ ललका मट्टी पहाड़ा वाला चूरन जहाँ तहाँ दे रहा है, लाल वाला चूरन, चूरन यही पहाड़ वाला चूरन। तो रोलर इस पे नहीं चला रहा है? रोलर तो चलाता है, रोलर के तो बाद में रोलर चलाता है, रोलर चला को यह मेटली पर ढलाई करता है। यानी आगे से जेसीबी से कोड़ते जा रहा है और पीछे से पिचिंग होते जा रहा है। पिचिंग होते जा रहा है। ये देखे कि यहाँ पे जो थे बाबा जो किसान इसी क्षेत्र के है, उनका कहना है कि इसको आगे से जेसीबी से कोड़ा जा रहा है और इस पे जो पूर्व में पिचिंग था उसको लेबर के द्वारा चुन करके साइड कर दिया जा रहा है और इसी पे फिर से पिचिंग कर दिया जा रहा है। और वो पिचिंग जहां हमने आपको दिखाया था कि मात्र हाफ इंच पिचिंग किया जा रहा है और योजना के अंतर्गत कितना इंच का है पिचिंग का ये तो जाने विभाग, लेकिन मात्र सब जगह हो रहा है हाफ इंच पिचिंग। और जहां इस रोड में मरम्मती कार्य में लेबर पूर्व से जो पिचिंग था उसको चुन करके हटा रहा है उस स्थल को भी दिखाएंगे। आम को जाने वाली सड़क का उसमें से सबसे पहला आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो जेसीबी से इसको कोड़ा गया है और कोड़ करके जो पिचिंग पूर्व में था वह पिचिंग को यहाँ लेबर के द्वारा हटा करके इसको किया जा रहा है साफ। और यहाँ स्पष्ट रूप से लेबर यहाँ जो पिचिंग को कोड़ करके आप जो अलकतरा हटा रहे हैं इस पे ऊपर से अलग से कहीं से दिया गया है ये मटेरियल। वहाँ जाइए विनयदा, वहाँ जाएंगे, आपको पता है, आप बताइए ना दिए हैं नहीं दिए हैं। मेटल देने के है ये नहीं है, मेटल नहीं देना है, सिर्फ जेसीबी से कोड़ना तो है और इसी पर पिचिंग कर देना है, कर देना है। यानी टेंडर यही है, यही है कि इसको कोड़ना है और कोड़ करके इसी पे पिचिंग कर पिचिंग कर देना है, टेंडर यही है, यही है। वो कौन है? वो मुंशी जी है। मुंशी जी यहीं पे देख लीजिए कि मुंशी जी है, उनसे करते हैं हम बात कि मुंशी जी इस योजना में क्या है। हमको नहीं पता, मैं मुंशी कहाँ है, मैं मुंशी देख लीजिए कि यहाँ पे एक मुंशी है, इनका स्पष्ट कहना है कि हमको पता नहीं है, मेन मुंशी वहाँ है, मेन मुंशी कहाँ है पता नहीं, मेन मुंशी को हम लाते हैं खोज करके, आपको दिखाते हैं एकदम क्लियर कट में कि देख लीजिए कि इसको जेसीबी से कोड़ा गया और कोड़ करके जो पूर्व में पिचिंग था वह पिचिंग देखिए, इसका कलर भी देख लीजिए आप बढ़िया से कि यह है इसका कलर, चून करके इसको लेबर के द्वारा हटा दिया गया और इसी पे किया जाएगा पिचिंग। यहाँ एक लेबर जो काम कर रहे थे उसका कहना है कि योजना ही यही है कि रोड को कोड़ो और कोड़ करके इस पे फिर से सिर्फ पिचिंग कर दो, इसके अलावे कोई योजना नहीं है। यहाँ पे जो एक मुंशी जी है उनका कहना है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, मेन मुंशी कहीं और। लखीसराय जिला खास करके जिला पदाधिकारी महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आखिर इस श्रृंगी ऋषि धाम को जाने वाले सड़क का मरम्मती कार्य अभी चल रहा है और क्या है इस मरम्मती कार्य के अधीन योजना कि क्या सिर्फ इस रोड को जेसीबी से कोड़ दिया जाए और कोड़ करके जो यथावत इस रोड में है मटेरियल उसी मटेरियल पर क्या कर देना है पिचिंग, और वह पिचिंग भी क्या मात्र हाफ इंची। और प्रत्यक्ष रूप से हमने दिखाया है आपको कि इस रोड पे मात्र हाफ इंची अलकतरा के साथ किया जा रहा है पिचिंग, और ना कहीं से अन्य जगह से ला करके इस पे कोई मटेरियल दिया जा रहा है। पूर्व में जो रोड कोर करके जो मटेरियल निकलता है इस मटेरियल पर पूर्व से जो रोड पे पिचिंग था उसको लेबर के द्वारा चुनवा कर हटा दिया जाता है और इसी पे पिचिंग कार्य पीछे से हो रहा है। और देख लीजिए यहाँ जो चुन चुन करके यहाँ अलग किया गया है यह सारा चीज यही सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। कितना का है यह राशि और किस प्रकार होना है इस सड़क का मरम्मती कार्य यहाँ पे उपस्थित मुंशी कुछ बताने से है असमर्थ। इसी प्रकार के अन्य मुद्दों को उठाने का रहेगा मेरा प्रयास जारी। अब बने रहें स्वजन समाचार के साथ और लाइक फॉलो कमेंट करते रहें। नमस्कार।